आप करोगे जो करोगे। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा में शीतलहर लगातार जारी है, सर्दी का प्रकोप है, लेकिन स्कूल खुल चुके हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, ये उनसे बात करते हैं। गुर्जर साहब, छोटे बच्चे हैं और स्कूल आप लोगों ने खोल दिए, ठंड लगातार जारी है। नहीं देखिये, इस पर अभी हमने निर्णय लिया और 27 तारीख तक जो पहली से पांचवी तक के क्लासे हैं उनकी छुट्टी रहेगी, स्कूल बंद रहेंगे। यानी आज 23 तारीख है, 24 से 27 तारीख, 24 से 27 तक बच्चों की छुट्टी रहेगी, पहली से पांचवी क्लास तक। पहली से पांचवी, और जो उससे अदर क्लासेस हैं उनका फैसला डीसी लेंगे फिर या उनके स्कूल लगेंगे? नहीं देखिए, उनके स्कूल लगेंगे। अभी बहुत ही जल्दी पेपर भी है बच्चों के और बहुत जरूरी है उनका, जो उनका पाठ्यक्रम है वो भी पूरा हो सारा का सारा, क्योंकि फिर जब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ये 28 का तो रविवार है, तो 29 को ही स्कूल खुलेंगे फिर। हाँ, निश्चित तौर से एक दिन और भी जाएगा साथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कल हो गई, भव्य आयोजन हुआ, किस तरीके से देखें आप? देखिए, बहुत ही अद्भुत आयोजन था। मैं समझता हूँ कि हमने तो कभी जीवन में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम देखा नहीं है। जिस प्रकार की खुशी, जिस प्रकार का उत्साह जनता में था वो अभूतपूर्व है, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें और 4 चांद लगाए, जिस प्रकार से भक्ति भाव के साथ उन्होंने सारा कुछ किया वहां पे, तो जनता जो थी उसको देख के बहुत ही अभिभूत थी। तो सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देश के तमाम जो महान हस्तियां हैं, बड़े लोग हैं, क्रिकेटर लगा लीजिए, फिल्म अभिनेता लगा लीजिए, बिजनेसमैन थे, सब वहां पर मौजूद थे और सब एक कतार में खड़े थे और श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे थे। नहीं देखिए, भगवान राम के लिए तो सभी साधारणी है, वो हमारे लिए बड़े हो सका, लेकिन भगवान के लिए तो ऐसे ही है, सब एक ही जैसे है सबके सब। और जो देश की चुनी हस्तियां थी उनको ही, जो वहां समिति है उसने उन्हीं को सारों को आमंत्रित किया था, वो सारे लोग वहां आए थे और बहुत ही भव्य रहा, और अब सबके लिए खुला है, तो सबके सब जाएंगे लोग मंदिर में। तो आपका कब का प्लान है जाने का? देखिये, हमने भी 9 तारीख का भी सोच रखा कि 9 तारीख को, 9 फरवरी को जाने का हमने विचार किया कि हम जाएंगे। आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया कल का दिन, लोगों के साथ थे? देखिए, लोगों में इतना उत्साह था कि हम तो यही बैठ के कर ही नहीं सके कुछ, बहुत थोड़ी देर ही मैं टीवी देख सका और आराम से देख सके, नहीं तो इतने प्रोग्राम थे, इतने प्रोग्राम, हर आदमी की जल्दी थी कि यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो काफी प्रोग्रामों में हमने हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि हर जगह टीवी लगे थे तो ये लाभ रहा कि जहां भी गए वहां कुछ वहां देख लिया, कुछ वहां देख लिया, ऐसा रहा, लेकिन बहुत ही उत्साह था लोगों में, बहुत ही उत्साह था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब राम, श्री राम वनवास काट कर